Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamualaikum. Welcome to Al Hadi Foundation School. Today I am going to start from page number 47. Chapter number 12. The Universe, the Solar System and the Earth. Kainat, Nizam-e-Shamsi aur Zameen. So in this lesson, we learn about the universe, how this universe is created, and also learn about the solar system and Earth. Universe. When you look into the sky on a clear night, जब आप रात के वक्त आसमान पर देखते हैं, You see an endless dark expanse with countless stars. तो आप क्या देखते हैं कि जहाँ पे अनगिनत सितारे हैं और साथ ही साथ उसके बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है. This is a part of our universe visible from the earth. तो ये हमारी जो कायनात है उसका एक हिस्सा है visible from the earth जो कि ज़मीन से नज़र आता है. The universe is an unlimited space containing dust, gas, rocks, empty space, planets and stars. तो हमारी जो कायनात है वो एक लामहदूद जगह है जहाँ पे डस्ट भी है, गर्द भी है, गैस भी है, चट्टाने भी हैं, खाली जगह भी हैं, सियारे भी हैं और सितारे भी हैं. और अर्थ इज अ स्मॉल प्लैनेट इन दिस वास्ट यूनिवर्स. तो इस बहुत बड़ी कायनात में हमारी जो ज़मीन है वो एक बहुत छोटा सियारा है. There are many theories regarding the creation of the universe. इस कायनात के बनने में बहुत से जो है वो नज़रियात पेश किए गए. Astronomers present different theories about how it came into being. माहरीन फलकियात ने इसके बारे में अपने बहुत सी जो नज़रियात थे वो पेश किए कि ये कैसे बनी, when it was created, कि ये कैसे बनी थी and how large it is और ये कितनी बड़ी थी. Of course, no one can answer these questions definitely. यकीनन कोई भी इनके बारे में बिल्कुल सही से जवाब नहीं दे सकता. However, we know for sure that the universe is home to innumerable stars and planets. तहम हम जानते हैं कि कायनात बहुत से सितारों और सियारों का घर है. Many of these stars are found together in clusters called galaxies. बहुत ज़्यादा सितारे एक जगह झुनमट में जो इकट्ठे होते हैं उसे कहकशां कहते हैं. Each galaxy is made up of billion of stars. एक हर जो कहकशां है वो बहुत से सितारों से मिलके बनती है. Stars are huge. सितारे बड़े होते हैं, hot, गर्म होते हैं, bright, चमकदार होते हैं. Heavenly bodies. Made up of gas and other matter that give out energy. जो आसमानी जिस्म होते हैं वो गैस से बने होते हैं और दूसरे अदर मैटर से जो है वो बने होते हैं जो कि एनर्जी देते हैं. दे अपीयर एज स्मॉल स्टार्स इन द नाइट स्काई बिकॉज दे आर एट ग्रेट डिस्टेंसेस फ्रॉम द अर्थ. तो ये रात के वक्त ये सितारे बहुत छोटे नज़र आते हैं क्योंकि ये ज़मीन से बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं. प्लैनेट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज मेड अप ऑफ गैस, रॉक और आइस दैट ऑर्बिट अराउंड स्टार्स. सेलेस्टियल कहते हैं हेवनली बॉडीज़ को. जो सियारे हैं वो आसमानी जिस्म जो ये गैस से बने होते हैं, रॉक से, चट्टान से और बर्फ़ से बने होते हैं जो कि सितारों के गिर्द उनके मैदान में चक्कर लगाते हैं. अदर सेलेस्टियल बॉडीज इंक्लूड डॉफ, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, मीटियोराइट्स एट्सेट्रा. और दूसरे जो हेवनली बॉडीज़ हैं जिसमें डॉफ और द सोलर सिस्टम निज़ाम-ए-शम्सी. द सन इज ऑल्सो अ स्टार जस्ट लाइक द स्टार्स वी सी इन द नाइट स्काई. तो सूरज भी एक सितारा है जैसा कि हम रात के वक्त आसमान पर सितारे देखते हैं. इट इज़ द स्टार अराउंड विच आवर प्लैनेट अर्थ रिवॉल्व्स. तो ये सियारा है जिसके
सॉरी ये एक सितारा है जिसके गिर्द हमारी ज़मीन जो स्यारा है वो गर्दिश करती है. सेवन अदर प्लैनेट्स एंड स्मॉलर हेवनली बॉडीज आल्सो ऑर्बिट आवर स्टार. तो जो दूसरे सात सितारे हैं और हेवनली बॉडीज जो है वो इसके गिर्द चक्कर लगाती हैं. टुगेदर द सन एंड दिस ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स आर कॉल्ड द सोलर सिस्टम. तो ये सन और दूसरे प्लैनेट्स का ग्रुप है वो सोलर सिस्टम यानी कि निज़ाम शमसी कहलाता है. द सन इज़ द सोर्स ऑफ लाइट. जो सूरज है वो रोशनी का जरिया है. एंड वार्मथ फॉर ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. और हमारे निज़ाम शमसी में जो दूसरे सितारे हैं उनको गर्म रखता है. विच इज़ पार्ट ऑफ अ गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे. मीनिंग डिस्टेंसेस इन स्पेस. खला में फासलों की पैमाइश. हाउ फार इज़ वन प्लैनेट फ्रॉम द अदर. के एक सियारा दूसरे से कितना दूर है. हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अस टू रीच अदर स्टार्स. और इसे दूसरे सियारों तक पहुँचने के लिए कितना फासला तय करना होगा. कैन वी काउंट द नंबर ऑफ ईयर्स. के हम उन सालों को गिन सकते हैं. इट वुड टेक अस टू ट्रेवल टू द सन. के सूरज का सफ़र करने में जो लग जाएंगे. इफ़ वी कुड एक्चुअली मेक इट. कि हम वाकई इसको बना सकते हैं. मोस्ट ऑफ अस ऑफन वॉन्डर अबाउट क्वेश्चंस सच एज दिस. तो हम जो है बहुत से जो लोग हैं वो इसके बारे में इतने सवाल के बारे में वो हैरान हैं कि ऐसा कैसे है कि एक जो है वो सितारा स्यारा दूसरे तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगाएगा. इस सब बारे में कि इसकी मेजरमेंट कैसे होती है. द आंसर इज़ क्वाइट डिस्करेजिंग. तो जो जवाब है वो थोड़ा हौसला शिकनी करने वाला है. इवन इफ़ वी कुड इन्वेंट रिलायबल स्पेस व्हीकल्स फॉर वेरी लॉन्ग जर्नीज. के अगर हम बहुत से आरामदेह जो है वो व्हीकल्स जो हैं उनको इस लंबे सफ़र के लिए उनको ईजाद कर लें. द डिस्टेंसेस इन स्पेस वुड टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू कवर. तो फिर भी हज़ारों साल ये सफ़र तय करने में लग जाएंगे. नो ह्यूमन बींग कैन लिव फॉर अ लॉन्ग फॉर सो लॉन्ग. तो कोई भी जो इंसान है वो इतना ज़्यादा अरसे के लिए नहीं जी सकता. हाउ डू वी मेजर डिस्टेंसेस इन स्पेस. तो हम जो स्पेस है हला में जो फासलों की पैमाइश हम कैसे कर सकते हैं. जस्ट एज वी हैव माइल्स एंड किलोमीटर्स फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस ऑन अर्थ. जैसा कि ज़मीन पे हम जो फासला है उसको नापने के लिए मीलों का और किलोमीटर्स का जो है उसे हम पैमाइश करते हैं. साइंटिस्ट्स यूज अ सेपरेट यूनिट टू मेजर डिस्टेंसेस इन स्पेस. तो जो साइंटिस्ट हैं जो साइंसदान हैं वो भी जो खलाम में पैमाइश है उसके लिए एक अलग यूनिट इस्तेमाल करते हैं. दिस यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड अ लाइट ईयर. तो इसका नाम है लाइट ईयर. इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन अर्थ ईयर विच इज़ कैलकुलेटेड टू बी अराउंड 9 ट्रिलियन किलोमीटर्स. तो ये जो यूनिट है इससे लाइट से जिसे मेजर किया जाता है इन वन अर्थ ईयर एक ज़मीन के साल को विच इज़ कैलकुलेटेड टू बी अराउंड 9 ट्रिलियन किलोमीटर. जैसे बिलियन है अरब तो बिलियन के आगे ट्रिलियन तो इतने उसका फासला. द अर्थ. द अर्थ इज अ राउंड प्लैनेट मेड अप ऑफ रॉक थर्ड इन लाइन फ्रॉम द सन. जो ज़मीन है वो एक गोल सियारा है जो कि चिटान से बना है. थर्ड इन द लाइन फ्रॉम द सन. तो ये सूरज से तीसरे नंबर पे है. इट इज़ द ओनली प्लैनेट डिस्कवर्ड सो फार टू हैव कंडीशंस सूटेबल फॉर लाइफ. तो ये एक वाहिद सियारा है जिसपे ज़िंदगी गुजारने के लिए ये मुनासिब है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस कंडीशन इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन. और सबसे जो बेहतर ये बात है अहम बात है वो ये है कि इसका फासला सूरज से काफ़ी दूर है. ये काफ़ी सूरज से दूर है. इट मेक्स द टेम्परेचर परफेक्ट फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एज वी नो इट. तो ये जो इसका टेम्परेचर है जो वो परफेक्ट होता है क्योंकि ये सन से दूर होता है. सूरज से ये अर्थ जो है वो दूर है. इस वजह से वहाँ पर ज़िंदगी ज़मीन पर गुजारी जा सकती है. वट डू यू थिंक वुड हैपन टू लाइफ इफ द अर्थ वॉज टू नियर्स और टू फार फ्रॉम द सन. तो कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि अगर ज़मीन सूरज से बहुत ज़्यादा नज़दीक होती तो क्या होता और अगर दूर होती तो क्या होता. जस्ट एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. जैसे
जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, अ स्मॉलर बॉडी और सेटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो इसी तरह एक छोटी जो है स्मॉलर बॉडी और सेटेलाइट जो है वो भी जमीन के गिर्द घूमते हैं। इट इज द मून, तो वो स्मॉलर बॉडी क्या है, मून, चांद। द मून डज नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन, जो चांद है उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। एंड द मून लाइट दैट वी रेफर टू इट इज एक्चुअली द सन्स लाइट रिफ्लेक्टेड बाय इट। तो जिसको हम मून लाइट कहते हैं, ग्रेविटी कश्य सकल। हैव यू नोटिस दैट वेन यू ड्रॉप समथिंग इट फॉल्स टू द ग्राउंड, एंड वेन यू थ्रो समथिंग अप इन द एयर दैट टू रिटर्न्स टू द ग्राउंड इंस्टेड ऑफ स्टेइंग अप फॉर एवर। ये क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप कोई चीज़ फेंकते हैं जमीन पे, तो वो ग्राउंड जो जमीन है उसके पे गिरती है, और जब आप कोई चीज़ हवा में लहराते हैं तो वो भी हवा में ठहरने के बजाय जमीन से आके टकराती है। This happens because the earth pulls everything towards its center. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़मीन अपने मरकज के गिर्द इसको चीज़ को खींचती है, just like a magnet, जैसे कि मकनातीस होता है। This force is called gravity. तो ये जो फोर्स है, ये जो ताकत है, ये कश्य सकल कहलाती है। यानी कि जब आप कोई चीज़ ज़मीन पर फेंकते हैं तो ज़मीन उस चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वस्ती कुवत। वेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट विद फोर्स, जब हम कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ताकत के साथ फेंकते हैं, इट मूव्स अवे फ्रॉम अस, तो ये हमारे से दूर हरकत करती है, इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में। दिस इज ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये वस्ती कुवत ताकत की वजह से होता है। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेक ऑब्जेक्ट्स गो एज स्ट्रेट एज पॉसिबल until the force of gravity pulls them down. तो ये जो वस्ती कुवत है, ये चीज़ों को सीधी लाइन में तब तक, जब तक मुमकिन हो सकता है तब तक उसको सीधी लाइन में लेके जाती है। और इसके बाद जो how are these forces useful? The force of gravity and the centrifugal force together strike a balance on earth. कश्य सकल और जो वस्ती कुवत है, ये दोनों एक गट्ठे ज़मीन पर खड़ी रहती हैं। द अर्थ अटेम्प्ट्स टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन अवे फ्रॉम द सन बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो ज़मीन है वो सूरज से सीधी एक लाइन पे रहती है बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वस्ती कुवत की वजह से जो ज़मीन है वो कोशिश करती है कि वो सीधी लाइन में मूव करे, हरकत करे। But the sun's gravity pulls the earth towards itself. लेकिन जो सूरज की कश्य शक्ल है वो ज़मीन को अपनी तरफ खींचती है। Because of these two forces pulling the earth in opposite directions, क्योंकि ये दोनों कुवतें जो ज़मीन है उसको मुखालिफ सिंत में खींचती हैं, the earth takes the middle path and goes around the sun in a circle. तो जो ज़मीन है वो बिल्कुल दरमियान वाला जो रास्ता होता है उससे जाती है और सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कीप्स द अर्थ मूविंग एंड ग्रेविटी कीप्स इट इन इट्स ऑर्बिट। तो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो ज़मीन को जो दरमियान वाला हिस्सा होता है उसमें मूव करती रहती है, एंड ग्रेविटी कीप्स इट इन इट्स ऑर्बिट, और कश्य सकल की वजह से वो गोल दायरे में घूमती है। इफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिड नॉट पुल द अर्थ अवे फ्रॉम द सन, अगर ये वस्ती कुवत ज़मीन को सूरज से दूर ना रखे, द सन्स ग्रेविटी वुड ड्रॉ द अर्थ इन टू द सन, तो जो सूरज की कश्य सकल है वो ज़मीन को अपनी तरफ, जो ज़मीन है उसको सूरज फिर अपनी तरफ खींच ले। एंड इफ देयर वॉज नो ग्रेविटी, और अगर कश्य सकल ना हो, द अर्थ वुड कीप गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन अनटिल इट लॉस्ट स्ट्रेंथ, तो ज़मीन जो है वो फिर से जो है सूरज की तरफ मूव करे और वो ज़मीन जो है वो अपनी ताकत खो दे। कॉमेट्स आर स्मॉल आइसी सेलेस्टियल बॉडीज लाइक स्नो बॉल्स। धुमदार जो सितारे होते हैं वो छोटे होते हैं, बर्फ से वो बने हुए होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज, और वो
छोटे जो है वो हेवनली बॉडीज होती हैं, व्हेन अ कॉमेट गेट्स क्लोज टू द सन, वो जब एक धूमधार सितारा सूरज के पास जाता है, इट मेक्स द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट, तो वो एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। इट्स ट्रेल ऑफ गैस लिट अप बाय द सन लुक्स एज इफ इट हैज़ अ हेड एंड अ टेल, तो जब वो इससे सूरज की रोशनी से जब वो रोशन हो जाता है तो वो मेटेराइट्स आर स्मॉल रॉकी और मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम स्पेस दैट कीप कोलाइडिंग विद द अर्थ्स आउटर लेयर ऑफ गैस। मेटेराइट्स जो हैं वो छोटे चट्टान और दूसरे मेटेलिक जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे बनने होते हैं, फ्रॉम स्पेस दैट कीप कोलाइडिंग विद द अर्थ्स आउटर लेयर ऑफ गैस, और उनकी जो बाहर की तहें हैं वो गैस से बनी होती हैं और वो आपस में टकराती हैं। मोस्ट ऑफ दीज बर्न अप एंड स्कैटर, और इनमें से बहुत सी जो फिर वो तहें हैं वो जलती हैं और वो बिखर जाती हैं। दोज दैट सर्वाइव द इम्पैक्ट एंड रीच द ग्राउंड आर कॉल्ड मेटेराइट्स, इनमें से जो बच जाती हैं वो जमीन पर आ जाती हैं वो मेटेराइट्स कहलाती हैं। When a meteorite enters the atmosphere on its way to the ground, its path lights up briefly and it appears as a shooting star. और जब ये meteorites ज़मीन पर जाते हैं तो फिज़ा में दाखिल हो जाते हैं, उसका जो रास्ता होता है वो मुख्तसर तौर पर रोशन हो जाता है और ये एक शूटिंग स्टार की तरह नज़र आता है। Gravity also makes everything on earth stay on earth instead of floating off into the skies. तो जो कश्य शक्ल है वो जितनी भी ज़मीन पे चीज़ें हैं उनको ज़मीन पे ही रहने में कायम रखने में मदद देती है बजाय इसके कि वो चीज़ें आसमान में घूमें। Gravitational pull also helps to regulate tides in oceans and seas. तो जो कश्य शक्ल है वो लहरों को भी दुरुस्त रहने में जो समुद्र की और दरिया की जो बड़े बड़े समुद्रों की लहरें होती हैं उनको भी दुरुस्त रखने में मदद देती है। इफ़ देयर वाज नो ग्रेविटी, और अगर कश्य शक्ल ना हो, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन टू पीपल, तो आपके ख्याल में क्या हो लोगों के साथ, बिल्डिंग्स माउंटेन्स एंड रिवर्स, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो लोगों के साथ बिल्डिंग्स के साथ जो माउंटेन है पहाड़ है उनके साथ क्या हो। अर्थ्स मार्वल्स डू नॉट एंड हेयर, जो ज़मीन के चमत्कार हैं वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होते। इन अर्लियर क्लासेस यू लर्न हाउ रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट एंड हाउ रेवोल्यूशंस गिव्स अस सीजन, पिछले आपने जो क्लासेस हैं उनमें ये पढ़ा कि दिन और रात कैसे बनते हैं और जो सीजन है जो मुख्तलिफ मौसम है वो भी कैसे आते हैं। इन लेटर चैप्टर्स बात के आने वाले सबकों में यू विल लर्न हाउ रेवोल्यूशन एंड द अर्थ्स टिल्ट एंड बुल्ज गिव्स अस वेरिंग अमाउंट्स ऑफ सनलाइट एंड हेंस सीजन्स, आने वाले सबकों में आप पढ़ेंगे कि कैसे ज़मीन में उभार आते हैं, कैसे वो झुकती है और किस तरह जो है वो सीजन्स आते हैं। यू विल लर्न मैनी अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू द अर्थ, और आप ज़मीन के बारे में मुख्तलिफ जो है वो दिलचस्प बातें पढ़ेंगे। द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, द मोस्ट फेमस थियोरी रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स इज द बिग बैंग थियोरी पुट फॉरवर्ड बाय जॉर्ज लेवेंट्रे इन 1927। तो ये जो यूनिवर्स है कायनात है इसके बनने में जो बड़ी नजरिया ये जो थियोरी थी पेश की गई कि वो थी बिग बैंग थियोरी जो कि जॉर्ज लेवेंट्रे ने 1927 में पेश की। इट स्टेट्स दैट अराउंड 16 बिलियन ईयर्स अगो के 16 अरब साल पहले मैटर वॉज इन अ कंसंट्रेटेड स्टेट, कि जो मैटर था वो मरकूज हालत में था। देन अ माइटी एक्सप्लोजन स्कैटर्ड, फिर एक ताकतवर धमाके से बिखर गए। ऑल मैटर फॉर एंड वाइड, तो जितना मैटर था वो दूर जो है और बहुत ज़्यादा जगह पर वो फैल गया। When the gas and dust settled, और जब वो गैस और जो सारी डस्ट थी वो एक जगह पर इकट्ठी हुई, it formed the stars, planets,
एंड अदर बॉडीज दैट मेक अप द यूनिवर्स. तो फिर ये कहा जाता है कि वो जो स्टार्स थे उनकी वजह से फिर वो स्टार्स प्लैनेट्स बने और दूसरी जो हेवनली बॉडीज हैं वो बनी और इससे फिर कायनात बनी. डू यू अग्री विथ हिम? क्या आप इनसे इत्तफाक करते हैं? ये जो लेसन है ये क्वेश्चन पे एंड हो रहा है कि क्या ऐसे ही यूनिवर्स बने, मतलब आप इससे एग्री करते हैं? सो आप मज़ीद इसको सर्च करके ये पढ़ सकते हैं कि वाकई ये बात है